रमजान माह में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ईद नज़दीक देख बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। बाजारों में खूब खरीदारी की जा रही है। मुस्लिम परिवारों में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ईद से पहले ही रोज़ेदारों के चेहरे पर खुशियां नजर आने लगी हैं। महिलाएं और बच्चे इसकी तैयारी में जुटे हैं। रेती चौक पर सेवई के बाजार भी सज धज कर तैयार है और रोज़ेदार ईद के दिन ख़ास तौर से बनने वाली सेवई की खरीदारी करने में लगे हैं। बाजार में सेवई 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। वहीं सेवई की अन्य वैरायटी 300 रुपये पैकेट व 150 रुपये पैकेट की दर से बिक रही है। वहीं खजूर 120 से 170 रुपये पैकेट की दर से बिका। गोरखपुन्नी से बात करते हुए दुकानदार और रोज़ेदार ने कहा, भैया इसकी तैयारी है जोरों शोरों पर है और इस समय केमामी सेवई की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसमें केमामी सेवई ज़्यादा बनती है। लच्छे वाली, दूध फेनी और भुनी हुई सेवई इस वक्त ज़्यादा प्रचलन में है। ग्राहकों को कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है? ग्राहकों को केमामी सेवई ज़्यादा पसंद आ रही है, जो महीन सेवई है बनारसी वो पसंद आ रही है। अब्दुल अजीज़ हमारा नाम है। 30 दिन रोज़ा रहने के बाद और 30 दिन इबादत करने के बाद आखिरी पूरा होने के बाद ईद मनाया जाता है। और ये जो है ईद जो मनाया जाता है वो 30 दिन के रोज़ा पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है और हर मुसलमान इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है। और चूंकि ईद का 2-3 रोज़ बचा हुआ है, इसलिए सारी तैयारियां बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। कोई कपड़ा ख़रीद रहा है, कोई सेवइयाँ ख़रीद रहा है, औरतें अपना कपड़ा खरीद रही हैं, बच्चे अपना, ज़्यादातर तो बच्चों की खुशी ईद जो है ज़्यादातर तो बच्चों की होती है, मगर ये कि सभी खुशी मनाते हैं और सबका है, पूरे भारतवर्ष का। और किसी एक हम तो अभी कपड़ा लिया है बच्चों का, सेवइयाँ लिया है और कुछ सामान लिया है घर का। और अभी तो जैसे जैसे याद आ रहा है, जैसे जैसे घर वाले बता रहे हैं सामान लेने, वैसे वैसे बाज़ार आ रहे हैं और ले रहे हैं किस्तों में।